वेबिनार ऑन दी प्रोविजन फॉर दीकल सेक्टर के महत्वपूर्ण स्टेक हैं मैंने कुछ समय पहले संसद में इस बात को विस्तार से रखा था कि कैसे देश के छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बीते वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं इन छोटे किसानों की संख्या 12 करोड़ के करीब है और इनका सशक्तिकरण इन छोटे किसानों का एम्पावरमेंट ही भारतीय कृषि को अनेक परेशानियों से मुक्ति दिलाने में बहुत मदद करेगा इतना ही नहीं ग्रामीण इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स भी वही बनेगा मैं अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले बजट में कृषि के लिए जो किया गया है उसकी कुछ हाइलाइट्स आपके सामने दोहराना चाहता हूं मैं जानता हूं आप इन सारी बातों से परिचित हैं सरकार ने इस बार एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16 लाख 50 हजार करोड़ रुपया कर, करोड़ रुपया कर दिया है इसमें भी पशुपालन डेयरी और फिशरीज सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को भी बढ़ाकर चालीस हजार करोड़ रुपया कर दिया गया है माइक्रो इरिगेशन फंड की भी राशि बढ़ाकर दो गुना कर दी गई है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाकर अब 22 पेरिसेबल प्रोडक्ट्स तक का उसको कर दिया गया है देश की एक हजार और मंडियों को ई नाम से जोड़ने का फैसला लिया गया है इन सारे ही निर्णयों में सरकार की सोच झलकती है सरकार का इरादा महसूस होता है और साथ साथ सरकार के विजन का पता चलता है और ये सारी बातें आप सबके साथ चर्चा में से उभरी हुई है जिसको हमने आगे बढ़ाया है लगातार बढ़ते हुए कृषि उत्पादन के बीच 21वीं सदी में भारत को पोस्ट हार्वेस्ट क्रांति या फिर फूड प्रोसेसिंग क्रांति और वैल्यू एडिशन की आवश्यकता है देश के लिए बहुत अच्छा होता अगर ये काम दो तीन दशक पहले ही कर लिया गया होगा अब हमें जो समय बीत गया है उसकी भरपाई तो करनी ही करनी है आने वाले दिनों के लिए भी अपनी तैयारी और अपनी तेजी को बढ़ाना है साथियों अगर हम अपने डेयरी सेक्टर को ही देखें तो आज वो इतना मजबूत इसलिए है क्योंकि इतने दशकों में उसने प्रोसेसिंग का बहुत विस्तार किया है आज हमें एग्रीकल्चर के हर सेक्टर में हर खाद्यान्न हर सब्जी फल फिशरीज सभी में प्रोसेसिंग पर सबसे ज्यादा फोकस करना है और प्रोसेसिंग की व्यवस्था उसे सुधारने के लिए जरूरी है किसानों को अपने गांव के पास ही स्टोरेज की आधुनिक सुविधा मिले खेत से प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचने की व्यवस्था सुधारनी ही होगी प्रोसेसिंग यूनिट की हैंड होल्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मिलकर के करें और हम सब ये जानते हैं कि फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा साथियों आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है हमें देश के एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेस्ड फूड में के वैश्विक मार्केट में विस्तार करना ही होगा हमें गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्रीज क्लस्टर की संख्या बढ़ानी होगी ताकि गांव के लोगों को गांव में ही खेती से जुड़े रोजगार मिल सके ऑर्गेनिक क्लस्टर्स एक्सपोर्ट क्लस्टर्स इसकी भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होगी गांव से एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स शहरों की तरफ जाएं और शहरों से दूसरे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट गांव पहुंचे ऐसी स्थिति के तरफ हमें बढ़ना होगा अभी भी लाखों माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स देश में चल रही है लेकिन उनका विस्तार करना उनके सामर्थ्य को बढ़ाना यह आज समय की मांग है बहुत जरूरी है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इस योजना कैसे हमारे उत्पादकों को हमारे उत्पादों को विश्व बाजार तक लेकर जाएं इसके लिए हमें पूरी ताकत से जुटना होगा साथियों सिर्फ खेती ही नहीं यहां तक कि फिशरी सेक्टर में प्रोसेसिंग का भी एक बहुत बड़ा स्कोप हमारे यहां है भले ही हम दुनिया के बड़े फिश प्रोड्यूसर हैं एक्सपोर्टर्स है में से एक है लेकिन प्रोसेस फ़ूड के इंटरनेशनल मार्केट में हमारी उपस्थिति बहुत सीमित है भारत की फिश ईस्ट एशिया से होते हुए प्रोसेस फॉर्म में विदेशी मार्केट तक पहुंची है यह स्थिति हमें बदलनी होगी साथियों इसके लिए जरूरी रिफॉर्म्स के अलावा करीब ग्यारह हजार करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव की योजना भी सरकार ने बनाई है जिसका लाभ इंडस्ट्री उठा सकती है रेडी टू ईट रेडी टू कुक फल सब्जियां हो सी फूड हो मोजारेला चीज हो ऐसे अनेक उत्पादों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कोविड के बाद देश और विदेश में ऐसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स की डिमांड कितनी बढ़ गई है ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं साथियों ऑपरेशन ग्रीन्स योजना के तहत किसान रेल के लिए सभी फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है किसान रेल भी आज देश के कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क का सशक्त माध्यम बनी है ये किसान रेल छोटे किसानों मछुआरों को बड़े बाजार और ज्यादा डिमांड वाले बाजार से जोड़ने में सफल हो रही है बीते छह महीने में ही करीब पौने 300 किसान रेल चलाई जा चुकी हैं और इनके जरिए करीब करीब एक लाख मेट्रिक टन फल और सब्जियां ट्रांसपोर्ट की जा चुकी है छोटे किसानों के लिए बहुत बड़ा माध्यम तो है ही कंज्यूमर और इंडस्ट्री को भी इसका लाभ हो रहा है साथियों देश भर के जिलों के बीच में वहां पैदा होने वाले फल सब्जियों की प्रोसेसिंग के लिए क्लस्टर्स बनाने पर बल दिया जा रहा है इसी तरह आत्मनिर्भर अभियान के तहत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन स्कीम के तहत लाखों छोटी फूड एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स को मदद की जा रही है इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर यूनिट्स लगाने तक आपकी भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों फूड प्रोसेसिंग के साथ साथ हमें इस बात पर भी फोकस करना है कि छोटे से छोटे किसान को भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ कैसे मिल पाए देश के छोटे किसान ट्रैक्टर पराली वाली मशीनें याफोर्ड दूसरी मशीनें एफोर्ड नहीं कर सकते क्या ट्रैक्टर और दूसरी मशीनों को शेयर करने का एक संस्थागत सस्ता और प्रभावी विकल्प किसानों को दिया जा सकता है आज जब हवाई जहाज तक एयरलाइंस को घंटों के आधार पर किराए पर मिल जाते हैं तो किसानों के लिए भी ऐसी व्यवस्थाओं का विस्तार देश में किया जा सकता है किसान की उपज मंडी तक पहुंचने के लिए ट्रक एग्रीगेटर्स का प्रयोग तो इस कोरोना काल में कुछ हद तक किया भी गया था और लोगों को अच्छा लगा था इसका विस्तार खेत से मंडी या फैक्ट्रियों तक खेत से किसान रेल तक ये कैसे हो सके इस पर हमें काम करना होगा खेती से जुड़ा एक और अहम पहलू सॉयल टेस्टिंग का है बीते वर्षों में केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों किसानों को हेल्थ कार्ड दिए गए हैं अब हमें देश में सोयल हेल्थ कार्ड की टेस्टिंग की सुविधा गांव गांव तक पहुंचानी है जैसे ब्लड टेस्टिंग की लैब्स होती हैं, पैथोलॉजी लैब होती हैं, उनका एक नेटवर्क होता है वैसे ही हमें सोयल टेस्टिंग के लिए भी करना है और उसमें प्राइवेट पार्टी बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ सकती है और एक बार सॉइल टेस्टिंग का नेटवर्क बन जाए और किसान को सॉइल टेस्टिंग की आदत हो जाए उसके अपने खेत की जमीन की सेहत कैसी है उस जमीन के प्रति उसके अंदर जागरूकता आएगी तो उसके सारे निर्णयों में बहुत बड़ा बदलाव आएगा देश के किसान को जितना ज्यादा अपनी मिट्टी की सेहत के बारे में पता रहेगा उतना ही अच्छा अच्छे तरीके से वो फसल के उत्पादन पर प्रभाव पैदा करेगा साथियों एग्रीकल्चर सेक्टर में आरएनडी को लेकर ज्यादातर योगदान पब्लिक सेक्टर का ही है अब समय आ गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़े आरएनडी की जब बात आती है तो सिर्फ बीच तक ही सीमित नहीं बल्कि मैं एक फसल से जुड़े पूरी साइंटिफिक इकोसिस्टम की बात कर रहा हूं होलिस्टिक अप्रोच चाहिए पूरा साइकिल होना चाहिए हमें अब किसानों को ऐसे विकल्प देने हैं जिसमें वो गेहूं चावल उगाने तक ही सीमित न रहे ऑर्गेनिक फूड से लेकर सलाद से जुड़ी सब्जियों तक ऐसी अनेक फसलें हैं जो हम आजमा सकते हैं इसी तरह मैं आपको मिलेट्स के नए मार्केट को भी टैप करने का सुझाव दूंगा मोटे अनाज के लिए भारत की एक बड़ी जमीन बहुत उपयोगी है ये कम पानी में भी बेहतरीन उपज देते हैं मिलेट्स की डिमांड पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी अब कोरोना के बाद कोरोना के बाद तो ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बहुत पॉपुलर हो चुका है इस तरफ किसानों को प्रोत्साहित करना भी फूड इंडस्ट्री के साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथियों सीबीड और बी वैक्स आज हनी का हमारे यहां धीरे धीरे फैला हो रहा है और किसान भी हनी बी की दिशा में काम कर रहे हैं ऐसे में समुद्री तट पर सी वीड और बाकी क्षेत्रों में हनी बी और फिर बी वैक्स, इसके मार्केट को टैप करना भी समय की जरूरत है सी वीड की फार्मिंग के लिए देश में बहुत संभावना है क्योंकि एक बहुत बड़ी कोस्टलाइन हमारे पास है सी वीड से हमारे मछुआरों को आमदनी का एक बड़ा माध्यम मिलेगा इसी तरह हम शहद के व्यापार में ब... तो बेहतर कर रहे हैं हमें बी वैक्सीन लेकर भी अपनी भागीदारी और बढ़ानी है इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है इस पर भी आज जब दिन भर आप चर्चा करेंगे विचार विमर्श भी करेंगे तो जरूर अच्छी अच्छी बातें उभर करके आएगी जब प्राइवेट सेक्टर की यह भागीदारी बढ़ेगी तो स्वाभाविक रूप से किसान का भरोसा भी बढ़ेगा हमारे यहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लंबे समय में से किसी ना किसी रूप में की जा रही है हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सिर्फ एक व्यापार बनकर ना रहे बकरली उस जमीन के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी हम निभाएं हमें किसानों को ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसे बीज उपलब्ध कराने हैं जो जमीन के लिए भी हेल्दी हो और न्यूट्रिशन की मात्रा भी उनमें अधिक हो साथियों देश की खेती में सिंचाई से लेकर बुआई कटाई और कमाई तक टेक्नोलॉजी का एक संपूर्ण समाधान मिले इसके लिए हम सबको मिलकर के एकजुट प्रयास कर रहे हैं हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना होगा युवाओं को जोड़ना होगा कोरोना के समय में हमने देखा है कि कैसे अनेकों स्टार्टअप्स ने फलों और सब्जियों को लोगों के घर तक पहुंचाया है और यह खुशी की बात है कि ज्यादातर स्टार्टअप्स देश के नौजवानों द्वारा ही शुरू किए गए हैं हमें इन्हें लगातार प्रोत्साहित करते हो लगा ये आप सभी साथियों की सक्रिय भागीदारी के बिना संभव नहीं है किसानों को ऋण बीज खाद और बाजार एक किसान की प्राथमिक जरूरत तो है ही जो उसे समय पर चाहिए बीते वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा हमने छोटे से छोटे किसानों तक पशुपालक और मछुआरों तक उसको बढ़ाया है उसका विस्तार किया है हमने अभियान चलाकर पिछले एक साल में एक करोड़ अस्सी लाख से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए हैं क्रेडिट का प्रावधान भी छ सात साल पहले की तुलना में दो गुने से ज्यादा किया गया है क्रेडिट किसानों तक समय पर पहुंचे ये बहुत जरूरी है इसी तरह ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की फंडिंग में भी आपकी भूमिका अहम है एक लाख करोड़ रुपए के इंफ्रा फंड का इम्प्लीमेंटेशन भी उत्साहवर्धक है इस कदम से खरीद से लेकर स्टोरेज तक की पूरी चेन के आधुनिकरण को प्रोत्साहन मिलेगा इस बजट में तो देश भर के ए को भी इस फंड का लाभ देने का फैसला किया गया है देश में जो दस हजार बनाने जा रहे हैं इससे एक बहुत ही सशक्त को ऑपरेटिव की व्यवस्था बन रही है साथियों इन संगठित प्रयासों को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं इससे जुड़े आपके सुझाव बहुत अहम है prime <laughs> minister narendra modi addressing a webinar talking about untapped potential in the agriculture sector and also pressing for the need to use these sectors to boost rural economy. we move on with some breaking news coming in.